15 घंटे ऑपरेशन गेम ओवर। हाईटेक सट्टे का ये वो खुलासा है जिसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। मास्टरमाइंड के घर जब पुलिस ने रेड मारी तो नोटों के बंडल देख पुलिस वाले भी हैरान थे। आप भी देखिए पंटर पर पुलिस का हंटर, सट्टे के खेल के और कितने किरदार। सात देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए की। हाईटेक सट्टा इंटरनेशनल कनेक्शन। बिल्डर के घर पुलिस की रेड। पंटर पर पुलिस का चला हंटर। बुकीज की बाजी बेनकाब। सट्टे के शातिर खिलाड़ी बोल्ड। ₹15 करोड़ 15 घंटे ऑपरेशन गेम ओवर। गुनाह की पिच पर करोड़ों का खेल, करीब 15 करोड़ का कैश, जिन्हें गिनने के लिए बकायदा मशीन मंगाई गई। 11 बैग में 15 करोड़। मुनाफे का वो खेल जिसके शातिर खिलाड़ियों को पुलिस ने बोल्ड किया। तो ऑपरेशन गेम ओवर की इनसाइड स्टोरी आपको तफसील से बताते हैं उज्जैन की क्राइम ब्रांच, साइबर टीम, नीलगंगा थाना और खाराकुआ थाना पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। एक ही रात में 2 जगह रेड मारी गई। पहला ठिकाना था बिल्डर पीयूष चोपड़ा का घर मुसद्दीपुरा और दूसरा ठिकाना जहां से ऑपरेट हो रहा था सट्टा कारोबार, नीलगंगा थाना इलाके का 19 ड्रीम्स कॉलोनी। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं, इसको पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में 2-3 जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआ क्षेत्र में आता है, 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में। पुलिस को खबर लगी थी इस इंटरनेशनल सट्टे की। बिल्डर के घर जब दबिश दी गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, करोड़ों का कैश बरामद हुआ। अब कैसे चलता था ये खेल ये भी सुनिए। पीयूष चोपड़ा का इंटरनेशनल कनेक्शन है जिसने 3 राज्य से पंटर हायर किए। जो दाव लगाने में माहिर है उन्हें हाईटेक तरीके से दाव लगाना सिखाया भी। वर्ल्ड कप और दूसरे खेल में सट्टे की कहानी सामने आई है। 40 से ज्यादा जो है वो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीस वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो निम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बैटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई है और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेकर हमने जो एजेंसी जिसमें है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर है, उसके लिए जो है आईटी और एजेंसी को भी सूचना दी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। अब खुलासा नंबर 2। पंजाब, राजस्थान, एमपी के नीमच से पंटर लेकर पीयूष ने करीब 6 महीने से ये कारोबार चला रहा था, जिसने पंटर यानी इन सटोरियों को बकायदा आईडी पासवर्ड दिए। एक ऐसी लाइन भी थी जिससे इंटरनेशनल बुकीज से ये पंटर लगातार कम्युनिकेशन में रहते, यानी कौन सी बड़ी बाजी लगानी है। मुनाफे का वो कारोबार जिसमें करोड़ों का खेल है, सोचिए जरा एक ही मैच में लाखों का खेल। आरोपी है उसके लिए हमने एक लुकआउट सर्कुलर जारी करा दिया है जिससे वो विदेश ना भाग पाए, परंतु फिर भी हमारी टीमें रात भर से लगी हुई, उसके परिजन हमारे संपर्क में हिरासत में, उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं उसके वेयर अबाउट्स के लिए। अभी जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको खंगाला जा रहा है। करोड़ों का कैश ही बरामद नहीं हुआ बल्कि इंटरनेशनल करेंसी भी बरामद की गई है और मुझे लगता है इसमें और भी कई लोग हैं, इसके तार कई देशों से भी जुड़े हुए हैं जहाँ
के माध्यम से ये बैटिंग करते थे, तो उसके संबंध में भी हमारी साइबर की टीम अभी एनालिसिस करेगी। अब तक 9 सटेरिये पर शिकंजा कसा है, मास्टरमाइंड पीयूष की गुनाहों का काला चिट्ठा खंगाला जा रहा है।